नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक बात करेंगे जिस पे कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। पान तम्बाकू गुटखा खाते हैं और खाने के बाद जब मुंह में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो सोचते हैं कि भगवान करे ऐसा मेरे मुँह में कभी कैंसर ना हो जाए। तो हम ऐसे ही टॉपिक बात करेंगे कि अगर पान तम्बाकू गुटखा आप खाते हैं तो क्या ऐसी चीज़ की जाए जिससे कि आप कैंसर से बच जाएं। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको ज़रूरत होगी उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि पान तम्बाकू गुटखा खाने से सुपारी की मात्रा अगर आपके पान में ज़्यादा है या तम्बाकू गुटखे में ज़्यादा है तो फिर आपके मुँह के अंदर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो सकता है, या फिर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू की मात्रा ज़्यादा है तो जिससे आपके मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है जिससे कि ओरल डिजीज़ आपको हो जाएगी। और ओरल डिजीज़ होने के बाद आपको ये लगेगा कि अब तो सब कुछ दिक्कत होने वाली है और बहुत परेशानी आने वाली है आने वाले समय में। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें करके अगर आप गुटखा खाते हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें खा करके आप बिल्कुल भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं और आने वाले समय में आपको कैंसर भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गुटखा छोड़ना है। अब सबसे बात तो यही सुन करके कुछ लोग सोचेंगे कि अरे सर आप तो फिर से वो पुरानी वाली रटी रटाई चीज़ों को शुरू कर दिए कि गुटखा छोड़ना है गुटखा छोड़ना है। क्योंकि देखिए मैं कितना भी आपसे कहूँगा गुटखा छोड़ने के लिए कि गुटखा स्विच करेंगे गुटखा छोड़ेंगे तभी आपकी जो प्रॉब्लम है जो आपकी बीमारी है जो आपकी डिजीज़ है वो बिल्कुल रिकवर होगी बिल्कुल ठीक होगी। तो गुटखा छोड़ने का जो उपाय होता है मैं आपको आज बताता हूँ कि कैसे गुटखा छोड़ना है। बता तो रहा हूँ कि मैं गुटखा छोड़ना है लेकिन कैसे छोड़ना है ये भी बताते हैं। तो जैसे कि आप गुटखा लेते हैं तो आप गुटखा एक पैकेट पूरा गुटखा लेते हैं कम से कम इतना गुटखा उसमें होता है। तो आप पहली बार ऐसा कीजिए कि एक पैकेट गुटखा जो लीजिए उसमें आप चार बार खाइए, मतलब कि एक चौथाई गुटखा लीजिए और साथ में उसका तीन चौथाई आप उसमें सौंफ मिलाइए। जी हाँ, एक चौथाई गुटखा और तीन चौथाई उसमें सौंफ मिला करके उसको एक बार खाइए। फिर जब दोबारा आपको मन करता है तो फिर वही एक चौथाई गुटखा और तीन चौथाई सौंफ मिला के उसमें खाइए। ऐसे करके आप एक सप्ताह तक खाएंगे। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 10-12 बार खाते हैं तो आप एक दो बार तीन बार कर दीजिए, क्योंकि आप गुटखे की मात्रा को कम कीजिए सौंफ की मात्रा को बढ़ाइए। एक सप्ताह तक 25%, उसके बाद फिर 15%, फिर 10%, फिर 5%, ऐसे करके गुटखे की मात्रा को कम करते जाएंगे और सौंफ की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे। तो फिर आपका गुटखा खाने का जो गुटखे की जगह पे आप सौंफ खाने लगेंगे और सौंफ आपके आहार नाल के लिए आपके पेट के लिए आपके पेट के कब्ज के लिए आपके गले के लिए और आपके ओरल जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं मुंह के अंदर ओरल के अंदर उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये तो रहा घरेलू उपाय कि घरेलू उपाय क्या करेंगे। इसमें आपको तलब भी नहीं लगे गुटखा खाने की, क्योंकि देखिए गुटखा तो आप खा ही रहे हैं, बस ये है कि गुटखा की मात्रा कम हो गई है सौंफ की मात्रा बढ़ गई है। और एक समय ऐसा आएगा कि आप सिर्फ सौंफ सौंफ खाएंगे और गुटखा की मात्रा उसमें ना के बराबर होगी या होगी ही नहीं। तो ऐसे करके भी आप गुटखा एक बार छोड़ सकते हैं। और अगर आप कोई मेडिसिन यूज करना चाहते हैं तो डेफनी इंडिका डेफिनेटली इतनी अच्छी मेडिसिन है 30 CH की पोटेंसी में कि आप उसको यूज़ करके सुबह दोपहर शाम 5-5 दिन डायरेक्ट जीभ पर या गुनगुने पानी में मिला करके आप उसको ले सकते हैं और आपको बहुत फायदा करेगा। अगर आप गुटखा खा भी रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके मुंह में जो घाव बार बार बन रहा है वो नहीं बनेगा और गुटखा लेने की तलब भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो एक बार इन सारे उपाय को देखिए करके देखिए कि आपके ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या मुंह में माउथ कैंसर आपको जो फ्यूचर में होने वाला है उससे आप कैसे बच जाते हैं। इन उपाय को करके आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियोस में नए टॉपिक बात करेंगे जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।